नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी अच्छी अच्छी कंपोस्ट अपने पौधों में देते हैं, उनकी गुड़ाई करते हैं, वाटरिंग अच्छे से करते हैं, फिर भी कुछ पौधों की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है और फिर उनमें कोई ग्रोथ महीनों तक हमें नज़र नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इसका उपाय है, कैसे उसकी ग्रोथ हम स्टार्ट करें फिर से पौधे की, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्या कंपोस्ट यूज करें और किस प्रकार पौधे की केयर करें कि पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाए और आपको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आधी जानकारी काफ़ी ख़तरनाक होती है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। जानकारी जितनी ली जाए उतनी पूरी ली जाए और फिर उसे फॉलो किया जाए तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अन्यथा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही मिलता है। और फिर सवाल आते हैं कि हमने ऐसे किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों, जानकारी पूरी लीजिए, एक बार थोड़ा सा समय दीजिए और पूरी तरह से देखने के बाद फिर उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, कारण जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, पौधे की ग्रोथ रुक क्यों जाती है। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने पौधों में डाल दिया और पौधा रॉकेट की तरह निकलने लग गया। जी नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, छत पर कर रहे हैं, तो हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए और जो नुस्खे बताए जा रहे हैं उन्हें यूज कीजिए, अपनाइए, आपको 100% रुकी हुई ग्रोथ अपने पौधे में वापस देखने को मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि पौधे की ग्रोथ रुक क्यों जाती है। तो उसके पीछे दो तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला ये होता है कि पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जैसे जो मिट्टी हमने बनाई है, पिछले साल हमने उसमें पौधे लगाए थे और फिर उसको निकाल के हमने दूसरा पौधा उसमें कर दिया, तो जो कम मिट्टी सीमित है, न्यूट्रिएंट्स भी उसमें जितने हमने दिए थे उतने ही हैं, तो जो पौधा हमने पहली बार लगाया था उसको भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स उस मिट्टी से ले लिए, तो उसमें मिट्टी में अब न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं हैं और फिर वापस से हमने दूसरा पौधा लगा दिया तो नई ग्रोथ जो पौधे की मिट्टी में थोड़ी तो अच्छे से चलती है, उसके बाद ग्रोथ उसकी रुक जाती है। तो पहला कारण ये है कि कंपोस्ट की कमी होना। दूसरा, वाटरिंग अच्छे से ना करना, कि हमने पौधे में वाटर कम दिया है तो भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा झुलसने लगता है। तीसरा, जो कुछ पौधे होते हैं जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं और उन्हें धूप बिल्कुल नहीं मिल पाती है, इस वजह से भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप इन चीज़ों को पहचानिए कि किस वजह से ग्रोथ रुकी हुई है। अगर सन लविंग प्लांट को आप, जैसे मैं मिर्ची का पौधा दिखा रहा हूँ आपको, अगर इसे 2 से 3 घंटे की धूप दिन की नहीं मिलेगी तो पौधे में ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो ये एक रीज़न होता है पौधे की ग्रोथ को रुकने का। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या रीज़न हो सकते हैं। तो और रीज़न ये हो सकता है दोस्तों, जैसे ये देखिए, मेरा बैंगन का पौधा है, पिछले साल का पौधा है और इसकी मैंने कर दी थी प्रूनिंग और फिर से देखिए नई ब्रांचेज इसमें निकल आई हैं, ढेर सारी, काफ़ी हरा भरा हो गया। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि इसकी जो ग्रो बैग की साइज़ है वो मैंने काफ़ी बड़ी रखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि पौधे की ग्रोथ तब भी रुक जाती है जब उसकी साइज़ के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसे ग्रो बैग पॉट साइज़ नहीं मिलता है। जैसे इस पौधे को अगर मैंने 8 से 10 इंच या 12 इंच के ग्रो बैग में भी उगाया होता तो इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ मुझे नहीं मिल पाती, क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा फैल रही हैं, रूट बाउंड हो जाएगा तो रूट फैलने की जगह नहीं मिलेगी, तो पौधे में ग्रोथ कहाँ से होगी। जब रूट ही नहीं आगे जाएंगी, रूट नहीं बढ़ेंगी, रूट में ग्रोथ नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये भी एक कारण है, आप इस चीज़ को चेक कीजिए कि आपके पौधे की ग्रोथ रूट बाउंड की वजह से तो नहीं रुकी है। अगर रूट बाउंड की वजह से रुकी है तो आप पौधे की प्लांटर को चेंज कीजिए, रूट को प्रून कीजिए और फिर उसमें दूसरे किसी बड़े प्लांटर में लगाइए, उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया है, पौधे को सनलाइट भी दे दिया है, वाटरिंग भी अच्छे से की है, कंपोस्टिंग भी की है, फिर भी पौधे को गमले की साइज़ भी अच्छी दी हुई है, फिर भी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, रुक गई है, तो उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि किसी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है किसी रीजन से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। तो इसमें कंपोस्ट बहुत ही सिंपल है, ये जो कंपोस्ट है इसमें देखिए मैंने गोबर की खाद को भिगा के रख दिया हुआ है, 24 घंटे से ऊपर हो गया इसे भिगा के रखे हुए।
अब इसे हम छान लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे कुछ अलग से पौधे की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों अब इसे हम इसमें छान लेंगे, देखिए दोस्तों इसे अच्छे से छानने के बाद ये जो बच जा रहा है इसे हम गमले की मिट्टी में मिला देंगे। तो इसे भी वेस्ट नहीं करना है, हर चीज़ का यूज करना है हमें अपने गार्डन में। तो ये देखिए दोस्तों इसे हमने छान लिया है, इसे साइड करते हैं और ये देखिए ये कंपोस्ट जो हमारा बन के रेडी हुआ है इसको हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, रुके हुए ग्रोथ को हम इसमें यूज करेंगे ये सीविड का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो दोस्तों ये देखिए ये करीब करीब 5 से 7 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इस जो कंपोस्ट हमने लिक्विड कंपोस्ट तैयार किया हुआ है काउडंग कंपोस्ट से, इस कंपोस्ट में हम इसे मिला लेंगे। और फिर इसे हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आप देखिए इसका कलर और भी चेंज हो गया है। अब इस कंपोस्ट में भी हम डायरेक्ट इसे नहीं मिलाएंगे, इसमें हमें मिलाना है अभी पानी। तो दोस्तों जितनी मात्रा में हमारा कंपोस्ट है उससे करीब 1.5 गुना पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमने पानी ऐड कर लिया इसमें और ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर इसका हमें दिख रहा है। अब इस कंपोस्ट को हमें यूज करना है, करीब 1 लीटर हमें एक प्लांट में यूज करना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज करना है। तो देखिए जैसे हम वाटरिंग करते हैं, अब हम दिखाते हैं यूज कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे मिर्च के पौधे हैं और एक ही प्लांटर में लगे हुए हैं। कुछ पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और कुछ पौधों में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। तो हम जिन पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं है उन्हीं पौधों के लिए हम इसे बना रखे हैं और इन्हीं पौधों में हम इसे यूज करेंगे। तो यूज कैसे करना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस पौधे के आसपास मेन स्टेम से थोड़ी दूर पर हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे, पहले मिट्टी को हल्का कर लेंगे चारों तरफ से इस प्रकार से। देखिए जब मिट्टी हल्की हो जाए तो हमने जो कंपोस्ट बना रखी है बस सिंपल हमें इस पौधे के चारों तरफ से उस कंपोस्ट को दे देना है और ये कंपोस्ट अब अपना काम करना स्टार्ट कर देगी और 10 से 15 दिन के अंदर आपको इस पौधे की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।